भाइयों आगे हैं वुहान रेलवे स्टेशन पे, मेरे पीछे है बुलेट ट्रेन जिससे मैं आया हूँ। आगे से भाइयों ये बुलेट टाइप हिस्सा रहता है इसका, तो ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं। सो दिस इज वेलकम टू वुहान मेट्रो। सो भाइयों चचा मेरी तरफ भी देखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। एक्चुअल में तो समझ ही ना आए कि आप उतर कहाँ रहे हो, उधर मेरे मजे ले रहे हैं दोनों। किसी एंगल से बताओ आप अगर लग रहा हो कि ये रेलवे स्टेशन है। भाइयों अपने वाले स्टेशन की तरह नहीं है कि कभी भी आ जाओ प्लेटफॉर्म पे रुक जाओ नीचे। भाइयों ट्रेन का जो फर्श है वो इतना ज़्यादा चमक रहा है, ये देखो एक बुलेट ट्रेन आई है, जो स्पीड है भाइयों वो 300 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है, 300 किलोमीटर पर आवर। कान थोड़े से बंद हो गए भाइयों, जिस इतना साफ स्टेशन देखा है पहले कभी, तो बताओ मुझे ट्रेन। तो भाइयों ये वो ऐप है जिससे मैंने ट्रेन की टिकट बुक की है। भाइयों आ गया हूँ ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से मेरी हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, जो मुझे वुहान लेके जाएगी। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की जर्नी है और सिर्फ 3 घंटे 58 मिनट में पूरी हो जाएगी। किसी एंगल से बताओ आप अगर लग रहा हो कि ये रेलवे स्टेशन है, बट इट्स अ रेलवे स्टेशन इन ग्वांगझो। कहीं देखना पड़ेगा, कहीं तो डिस्प्ले आ रहा होगा ट्रेन्स का, मुझे तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से ये रेलवे स्टेशन है, बट यहाँ शायद ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं। पूरा ऐसा फील आ रहा है जैसे किसी एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ तो कुछ कुछ डिस्प्ले है, तो हमारी जो ट्रेन है दैट इज़ G1748 722, चेक इन 810 B10 810 B10, आई डोंट नो क्या है ये, कुछ गेट नंबर होगा या कुछ तो होगा। कुछ चेक इन की लाइन टाइप लगी हुई है भाइयों। हाँ ये भाइयों पासपोर्ट से एंट्री तो हो रही है, थैंक यू शीशे। ये भाइयों एयरपोर्ट से भी बढ़िया माहौल लग रहा है इधर। ये रोकने के लिए मैडम ने दोनों हाथ फैला दिए, थैंक यू। अभी तो आप कमेंट करके बता ही दो कि ये किसी एंगल से एक रेलवे स्टेशन लग रहा है क्या। दो इट्स अ बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, पर लग रहा है क्या किसी एंगल से कि कोई रेलवे स्टेशन है ये, और ट्रेन कहाँ से जाएगी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हो सकते हैं भाइयों अभी सबको एक ही साथ एंट्री मिलती है क्योंकि चेक इन लिखा हुआ है और इसी गेट से चेक इन लिखा हुआ है। भाइयों अपने वाले स्टेशन की तरह नहीं है कि कभी भी आ जाओ प्लेटफॉर्म पे रुक जाओ नीचे, ये ट्रेन के डिपार्चर से थोड़ी देर पहले ही चेक इन गेट खोलते हैं और उसके बाद ही प्लेटफॉर्म पे जाने को अलाउ करते हैं, क्योंकि इस ट्रेन की एंट्री दो गेट से है, जिस पर मैं खड़ा हूँ ये 810 है और इसके एकदम अपोजिट साइड पे पीछे B10 है। तो भाई वो पासपोर्ट दिखा के उन्होंने एंट्री की, पासपोर्ट वालों को थोड़ा सा सिक्योरिटी वालों की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। भाई वो ये वाली बुलेट ट्रेन जो लगी हुई है, ये वाली ट्रेन अपने को लेके जाएगी, कोच नंबर वगैरह अपने को सब एक बार देखना रहेगा। अभी अब आप देख लो यहाँ पर सिर्फ वही पैसेंजर्स आते हैं जिनके एक्चुअल में ट्रेन है, बाकी पूरे प्लेटफॉर्म्स हर तरफ खाली पड़े हुए हैं। और बुलेट ट्रेन आपको इधर उधर चारों तरफ तो नहीं लेकिन दो तीन तरफ तो नज़र आ ही जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ माई टिकट एंड माई कोच नंबर इज़ 4, सेकेंड क्लास सीट 1D, दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक द प्लेटफॉर्म एंड दीज बुलेट ट्रेन्स। अपनी वाली ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है G1748, ये देखो एक बुलेट ट्रेन आई है, राइट। फॉर मी इट वुड बी फर्स्ट ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, तो चल के देखते हैं अभी अंदर। कोच नंबर 4, माय सीट नंबर इज 1D, सो आई विल हैव टू चेक वेयर इट इज। This is 1D. ये सेकेंड क्लास का टिकट है मेरा, एंड दिस इज हाउ द कोच लुक्स लाइक।
इसके आगे मे बी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास रहेगा, क्योंकि उसका कोच थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक बार जाके दिखा देता हूँ अगर जा सकते हैं तो। राइट, काफ़ी सही सा बेसिन है और फैसिलिटीज़ हैं। सो दिस इज़ मे बी दिस इज़ बिजनेस क्लास और समथिंग लाइक फर्स्ट क्लास, राइट, क्योंकि खाली भी है और सीट्स भी थोड़ा सा एलिगेंट है। राइट, तो अभी ये यहाँ का कुछ कुछ वॉशरूम ऐसे टाइप दिखता है, नीट एंड क्लीन। एंड दिस गैलरी, और ये तो बेसिन है अपना, और एक अच्छा खासा मिरर लगा हुआ है। राइट भाई, ट्रेन का जो फर्श है वो इतना ज़्यादा चमक रहा है कि उसमें लोगों की रिफ्लेक्शन और लाइट की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो मैं अपने वाला कोच का दिखाता हूँ, ये मेरे वाला कोच का है, तो इतना ज़्यादा साफ़ है फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल, कहीं पे भी कोई भी डर्ट या फालतू का डस्ट आपको नहीं मिलेगा देखने को। राइट, तो अच्छी चीज़ क्या है ना कि मेरी जो सीट है वो आइल है, नहीं तो ऐसे तीन लोगों के बीच में फंसा रहता फिर मैं। हाँ, आइल सीट होने की वजह से, और वो भी जो दो सीट्स होती है उसमें से आइल है, तो कोई इशू आएगा नहीं आज। अच्छा, नहीं तो ये तीन लोगों के बीच में फंसा रहता मैं, और थोड़ा मुश्किल हो जाता फिर बैठ के पूरा रास्ता ट्रैवल करना। राइट, स्पीड का डिस्प्ले भाई आने लग गया है, 214 किलोमीटर पर आ रहे अभी, 216 217 स्लोली स्लोली ये बढ़ेगी, अभी 220 हो गई है, 223 देखते हैं मैक्सिमम स्पीड ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अब थोड़ी सी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। मतलब स्टार्टिंग की स्पीड ये है 238 किलोमीटर, 241 हो गई है भाई, 242 मुझे लग रहा है कि शायद ये 300 किलोमीटर पर आर टच कर सकती है या करेगी। गई है भाई, ऊपर गई है, 250 तक पहुंच गई है, 252 किलोमीटर पर आर, 254, 256। ये भाई वो ट्रेन ही है ना, हवाई जहाज़ तो नहीं है ना, 260 हो गया है। माय गॉड, इतनी ख़तरनाक स्पीड से ये चल रही है। बाहर भी दिखा देता हूँ आपको, पता नहीं कोरिलेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन 274 किलोमीटर पर आर, 277 किलोमीटर पर आर, 278, 279, 281, जो मैं बोल रहा था आपको 300 में भी शायद टच कर दे, देख के तो लग रहा है कि कर देगी 300 टच। तो ये हो गई है 290 और 291, 293, 294, 295 और ये 296 किलोमीटर पर आर। जो स्पीड है भाई वो 300 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है, 300 किलोमीटर पर आर। अब मैं आपको बाहर का दिखाऊंगा, लेकिन रिलेटेबल पता नहीं उतना है कि नहीं है, लेकिन स्पीड 300 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा की हो गई है इस ट्रेन की। और पता नहीं, मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस ट्रेन की। टिकट करने के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया, इनका ऑनलाइन खुद का एक ऐप है 12306 चाइना ट्रेन टिकट करके, वो मैंने यूज़ किया। और उसमें पेमेंट मोड भी अली पे, एक जो इनका दूसरा ऐप है जो पेमेंट ऐप है, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, चाइना के नंबर से रजिस्टर्ड किया हुआ है, पासपोर्ट का डिटेल डाला हुआ है, इसीलिए सारी पेमेंट मैं उससे कर पाता हूँ। तो सेकंड क्लास के अलावा दो क्लासेस और थी, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसकी टिकट थी कोई 751, मतलब कोई 8,500-9,000 के आसपास, और जो बिजनेस क्लास थी उसकी टिकट थी 1,200 युआन, मतलब कोई 13-14 हज़ार के आसपास। और जो ये वाली टिकट है मेरी सेकंड क्लास टिकट, ये 463 युआन में अवेलेबल थी, मतलब कोई 5,200 या 300 की मेरे को ये टिकट पड़ी है जब मैंने ऑनलाइन की। राइट, कान थोड़े से बंद हो गए भाइयों, जैसे फ्लाइट में एकदम बैठ के हो जाते हैं ना वैसे, एकदम ऐसे आवाज़ ही नहीं आ रही है कुछ। अभी स्पीड ना इन्होंने मेनटेन की है कंसिस्टेंट 304 किलोमीटर पर आ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे भाइयों। एक स्पीड का डिस्प्ले मेरे पीछे भी है जिस पर स्पीड आ रही है।
कोई तो स्टेशन आ गया है भाइयों, पता नहीं कौन सा स्टेशन है लेकिन थोड़ा साफ ही दिख रहा है काफ़ी। इतना साफ स्टेशन देखा है पहले कभी तो बताओ मुझे कमेंट करके। ये है शाओगन रेलवे स्टेशन, राइट। ये ट्रेन का स्टॉपेज है 8:13 का शाओगन का, और अभी ये शाओगन पे है और टाइम हो रहा है 8:14, मतलब पूरा एग्जैक्टली 8:13 पे ट्रेन वॉज हेयर एट शाओगन रेलवे स्टेशन, जो दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, दैट इज इन शंघाई। मैगलेव टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, राइट, और इट गोज़ अराउंड 450 और 430 किलोमीटर पर आर। तो मैं शंघाई अगर गया तो वो वाली ट्रेन में भी आपको ज़रूर जाके बताऊँ। तो भाइयों ये वो ऐप है जिससे मैंने ट्रेन की टिकट बुक की है, रेलवे 12306। इसको अगर क्लिक करके खोलता हूँ तो कुछ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है सिंपल से। इसमें आप बस फ्रॉम और टू का स्टेशन डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, और यहाँ क्लिक कर दीजिए हाई स्पीड ट्रेन्स ओनली। ये आपको सारी ट्रेन्स दे देगा, और जो भी ट्रेन्स आएंगी वो सारी ही हाई स्पीड रहेंगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद ही रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो ट्रेन ही है, बहुत सारी ट्रेन्स आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए मिल जाएंगी, और ये सारी की सारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स। भाइयों 9:16 का टाइम है हैंगयांग डोंग का, और घड़ी में 9:16 ही हो रहे हैं, ठीक है, और सामने प्लेटफॉर्म है, मतलब एग्जैक्टली डॉट ऑन टाइम। कुछ कुछ पैसेंजर चढ़ने वाले, एक बार निकल के स्टेशन ज़रूर देखूंगा कि कैसा दिखता है हैंगयांग डोंग। 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे भी, एक बार निकल के देखते हैं कैसा। एकदम वैसा ही स्टेशन है जैसे बाकी सारे हैं, वो भी कोई एक बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है उधर। भाइयों ये है चंगशा में, चंगशा रेलवे स्टेशन। थोड़ा बड़ा स्टेशन लग रहा है, और बड़ा स्टेशन होने की वजह से थोड़ा सा लोग भी ज़्यादा हैं यहाँ पे, राइट। तो एक बुलेट ट्रेन तो ज़रूर एक कहीं ना कहीं एक स्टेशन पे खड़ी ही रहती है हमेशा। स्टिल पीपल आर बोर्डिंग टू द ट्रेन, और स्टेशन तो ये भी अच्छा ही लग रहा है। ये मेरी ट्रेन, अब एंट्री ले लेते हैं भाइयों, नहीं तो ट्रेन जो है अपनी छूट जाएगी फिर। तो भाइयों आगे हैं वुहान रेलवे स्टेशन पे, मेरे पीछे है बुलेट ट्रेन जिससे मैं आया हूँ। 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये ट्रेन हमको यहाँ लेके आई है। आगे से भाइयों ये बुलेट टाइप हिस्सा रहता है इसका, इसलिए इसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं, और चलती भी बहुत फास्ट है, मतलब 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही थी ये ट्रेन। तो भाइयों मेरी ट्रेन का 11:20 का टाइम था वुहान का, और अभी अगर मैं अपने फ़ोन में देखूं तो 11:20 ही हो रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम दिस ट्रेन इज़। मतलब तीन स्टेशन आए, ये चौथा स्टेशन था, और हर स्टेशन पे ट्रेन एग्जैक्टली टाइमिंग पे थी। एक और बुलेट ट्रेन आई है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और इस बुलेट ट्रेन ने 1000 किलोमीटर की जर्नी 3:55 में तय कर दी है। अब आप अंदाज़ा लगाओ 1000 किलोमीटर कितना होता है, और सिर्फ 3:55 में ये ट्रेन ने मेरे को गुआंगझो सदर्न रेलवे स्टेशन से वुहान रेलवे स्टेशन ला के छोड़ा है। तो ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं, तो ड्राइवर कंट्रोल्ड है, वो जब खोलता है जब सारे के सारे लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, और जब सारे लोग अंदर आ जाते हैं उसके बाद वो सारे दरवाजे जो है वो बंद कर लेता है। वुहान नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। भाइयों पासपोर्ट लगा के
एग्जिट होएगा, बाकी सब तो ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। थैंक यू। एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि जब से मैं ग्वांगझो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, मुझे लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, तब से लेके अब तक मैंने एक भी सिंगल RMB कैश में कहीं भी खर्च नहीं किया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। वो हेल्पफुल है बहुत नियो ग्लोबल कार्ड की वजह से, और मेट्रो में, बसेस में, हर जगह मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया है, चाइनीज़ सिम के नंबर से लॉग इन कर लिया है, तो मुझे कहीं भी कोई इशू आ नहीं रहा है। अभी भी यहाँ से वुहान से निकलने के बाद, रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जहाँ होटल जाना है, वो होटल भी मैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँगा। एक तो 2-3 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है, कॉस्ट कम होती है, और थोड़ा आपको सिटी का आइडिया हो जाता है कि हाँ किधर क्या चीज़ है। सो दिस इज़ वेलकम टू वुहान मेट्रो। सो आई एम एट वुहान। आज से 4 साल पहले तो कभी सोचा नहीं था कि वुहान जैसे सिटी में मैं आऊँगा कभी, और अभी यकीन थोड़ा सा हो नहीं रहा है कि मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ, वुहान रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ। भाई वो चचा मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, पर मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं। भाई वो ग्वांगझो में शायद ही किसी ने मास्क पहना हुआ था, पर इधर तो काफ़ी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, जैसे इन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर तो काफ़ी लोगों ने मास्क पहना हुआ है। भाई बहुत साफ हिसाब किताब लग रहा है, एकदम साफ सुथरा मेट्रो स्टेशन और साफ सुथरी मेट्रो। एक्चुअल में तो समझ ही ना आए कि आप उतर कहाँ रहे हो, तो बीच में एक बार ये लाइन इंग्लिश की फ्लैश हो जाती है तो पता लग जाता है कि हाँ ये स्टेशन ये वाला आने वाला है, नहीं तो ये देख के तो क्या ही समझ आएगा बंदे को कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। इट इज़ टोटल इन चाइनीज़, कहीं भी कोई भी इंग्लिश नहीं है, बस ये एक लाइन जो फ्लैश होती है इंग्लिश में, तो आपको बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये स्टेशन आ रहा है, आपको कहाँ उतरना है। ये स्टेशन भाई थोड़ा सा अलग है, तीसरी मेट्रो चेंज कर रहा हूँ मैं अपने होटल तक जाने के लिए, और ये स्टेशन थोड़ा सा रिलेटिवली अलग है और ब्यूटीफुल है थोड़ा सा। ऊपर से सनलाइट आ रही है और यहाँ पे ऐसे करके है, और पूरा स्टेशन सनलाइट में, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये आ गई है मेरी मेट्रो, बुलेट ट्रेन से निकलने के बाद तीसरी मेट्रो है मेरी ये विद इन सिंगल आर, और ये मुझे मेरे होटल तक ज़रूर पहुँचा देगी। स्पीक इंग्लिश ना, वो इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन चेक इन में शायद हेल्प तो कर ही देंगे। भाई बहुत दिक्कत हो रही है, अभी ना चेक इन हो नहीं पा रहा है, भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई वो इस होटल में तो बुकिंग मना हो गई है, तो अभी या तो होटल ही चेंज करना रहेगा। अभी दूसरे होटल में आ गया हूँ, यहाँ पे ना 2 बच्चे लोग हैं, ये पता नहीं मेरे को क्या क्या बोल रहे चाइनीज में। मैं काफ़ी रुपये देखा उसमें ये निकल रहा है कि ये पूछ रहे आपको चाइनीज़ आती है, मैंने कहा मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, तो फिर दूर भाग रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, पर सर मेरे मज़े ले रहे हैं दोनों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।